हाँ साथियों, ये आख्यान महाभारत का है। जब कर्ण के बाण लग जाता है तो अर्जुन को धिक्कार करके वो कहने लगा कि अर्जुन तुम कायर हो, तुमने एक निहत्ते पर बाण चलाया है, तुमने अधर्म की लड़ाई लड़ी है। तो श्री कृष्ण समझाए कर्ण कि तुम्हारे मुख से ये धर्म की बात शोभा नहीं देती है, क्योंकि तुम बहुत बड़े योद्धा हो, बहुत बड़े दानवीर हो, लेकिन फिर भी दुर्योधन के साथ मिलकर तुमने जीवन में बहुत अधर्म कमाया है। सुनो, अब तुम्हारा अंत समय आया, इसलिए तुम धर्म की बात कर रहे हो। अब तुम्हें धर्म की याद आई, अगर यही बात तुम्हारे दिमाग में पहले आ जाती तो ये लड़ाई होती ही नहीं। तो श्री कृष्ण कर्ण को समझाकर बोले, अरे अब तो याद धर्म की आई, तेरो अंत समय गो आई, और जहे आदि पहले आए जाती तो काए होती लड़ाई। अरे अब तो आदि धर्म आई, तेरो अंत समय से, जब पांडव छोटे थे, जब राजकुमार थे, हरे छल बल करी थी उन भैयन से, अरे छल बल करी थी उन भैयन से, तूने कपटी की चाल चलाई, और धोखा दे धर्म राजकु दुआ में दो हर पाई। धोखे से तुमने जुए में उनका राज्य छीना, और राजी नहीं उनकी स्त्री भी जीत ली। हरे पांच पति सभा में नगिन कराई। श्री कृष्ण समझाते हुए कहने लगे, कर्ण याद कर वो दिन, अरे पाच पति द्रौपदी, तूने सभा में नगिन कराई, और जय आदि पहले आए जाती तो काए हो। द्रोणाचार्य अच्छे से जानते थे, पूरा कौरव दल जानता था कि चक्रव्यूह को भेदने वाला सिर्फ अर्जुन, और जब उसको आप दूर ले गए तो तुमने चक्रव्यूह को भेदने का न्योता युधिष्ठिर को दे दिया। अरे अर्जुन वीर पास में नहीं,
गेलो अभिमन्यु दोयु बीच मरो बायु श्री कृष्ण कहने लगे तुम साथ साथ ने एक अकेले अभिमन्यु को मारा और इतना ही नहीं मेरी बहन सुभद्रा को रे कलौ सुनो कर्ण मेरी बहन सुभद्रा का इकलौता पुत्र था वो मेरी बहन सुभद्रा को रे कलौ गई मरे उपला लगाई। ध्यान रखना साथियों जिस समय अभिमन्यु चक्रव्यूह के दौरान मारा जाता है तो दुर्योधन का बहनोई जयद्रथ जब उत्तरा भाग करके पहुंची तो जयद्रथ ने लात मारी थी कि ले जाओ आगे से मेरी बहन सुभद्रा को रे कलौ मरे ऊपर लात लगाई और जय आदि पहले आए जाती तो होती काले केशव रुको अब हमें भी कुछ कहना है तो कर्ण से बोले हैं अर्जुन कि अर्जुन सुनो तुमने और कितना धर्म कमाया अर्जुन बोले हैं अरे सलाह माई सकुनी भवन बनाई और आधी रात के समय कर्ण तूने आग तैयार लगवाई ये भजन आप लोग अमित कुमार फौजी की आवाज में सुन रहे हैं हमारे साथ ढोलक पर संगति ग्राम पकरिया फरुखाबाद से सुखवीर यादव हैं और चिमटा पर भजोरपुरा के संतोष यादव हैं और घड़ा पर साथ दे रहे हैं गुड्डू मस्ताना जी ये रूपनगर के रहने वाले हैं और आप लोग ये भजन आरवी कट कर देना है बीच में और आप लोग ये भजन गुलशन कैसेट के माध्यम से सुन रहे हैं